दर्द का कारण बनती है, ऐसा लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कुर्सी के कारण कमर दर्द है, कुर्सी के कारण गर्दन दर्द है, सर्वाइकल है। लेकिन मेरा कहना है कि कुर्सी आपके गर्दन और कमर के दर्द को खत्म करने का कारण भी बननी चाहिए। ठीक है, तो कैसे कैसे होगा कुछ एक्सरसाइज मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान करना। सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज सिखा रहा हूं मात्र 3 मिनट की है, कितने की है? 3 मिनट की। तो आप जहां है वहीं पर इसको देखेंगे और करेंगे, तो सामान नीचे छोड़ दीजिए। पहले कमर को ट्रैक्शन देना, ट्रैक्शन मतलब खिंचाव देना। कैसे देना? तो दोनों हाथों को आपस में ऊपर मिला और ऐसे मिलाओ, सभी शाबाश, सभी करो, वेरी गुड, लेकिन आप और पूरा खींचना, सांस भरना और मैक्सिमम खींचना, सांस भरना और मैक्सिमम खींचना, मैक्सिमम रिलैक्स, वापस वापस, यहां सिर पे रखा, दोबारा से सांस भरो और मैक्सिमम खींचो। अभी सब एक साइड, इस साइड में झुकाना है पूरा, अपने को झुकाओ, रोक के रखना है थोड़ी देर, वापस सीधा कर दो, फिर से सांस भरो और दूसरी तरफ घुमा दो। ये स्पाइन को, रीढ़ को रोग मुक्त करने का तरीका है। वापस सीधा, हाथ नीचे ले जाओ क्योंकि हाथ थक जाते हैं ना। तो पहले हमने सीधा खींचा, बाएं किया और दाएं किया। अब यहां से अगली जो कड़ी है उसको बहुत ध्यान रखना, ओनली वन टाइम स्ट्रेट नीचे, वन टाइम लेफ्ट, वन टाइम राइट, चेक घुमाओ, बस। आप सब ऐसे अपनी मत घुमाना। अगला क्रम ध्यान करना जो बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना, पहले देख लो फिर करना। हाथों को तानना और पीठ का सपोर्ट देकर, ये पीठ का सपोर्ट देकर धीरे से कमरे हाथ छोड़ दो, धीरे कर दो, वेरी गुड। ये ध्यान रखना कुर्सी में गिर जाए, टूट ले जाए, यहां से पूरा ढीला छोड़ना है, पूरा ढीला छोड़ना, इससे कट 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 की आवाज भी आएगी। करो जरा सभी, हाँ वेरी गुड। अभी सुनो, जिनकी आप जैसे ये आगे सोफे पर बैठे वो क्या करें, तो वो अपने हाथ यहां लगा लें ऐसे, और ऐसे करके फिर कर सकते हैं, हाथों को पीछे लेकर ऐसे भी कर सकते हैं, जिनकी चेयर ऊंची हो। चलो करो, देखिए हाँ, पूरा कर हाथों को और धीरे से हाथों को मोड़कर शोल्डर को पीछे छोड़ दो, पूरा छोड़ दिया ढीला, ये पूरा हिस्सा पीछे, ये कम से कम 10 सेकंड रहना चाहिए, कितने 10 सेकंड, और फिर वापस हाथ नीचे। तो पहले सीधा किया था बाएं और दाएं, इसके बाद हमने पीछे की तरफ एक एक बार, ओनली वन। चौथा इसका क्रम है वो ध्यान करना, अब ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट कैसे करना है ट्विस्ट, तो यहीं से अपनी इस कुर्सी को एक हाथ यहां पकड़ा, दूसरे हाथ से यहां पकड़ा, और केवल केवल हाथों का सहारा लेना है, रीढ़ पर जोर नहीं, करो जरा ट्विस्ट, पकड़ो इस साइड घुमाओ, हाँ मैक्सिमम ऐसे लेके जाओ, मैक्सिमम शोल्डर को पीछे लेके जाओ, पूरा शोल्डर घुमा दो पीछे, और पीछे की तरफ देखो, उस साइड पे देखो, और रुकना है कम से कम 7-8 सेकंड रुकना, वापस धीरे से वापस। अब दूसरी तरफ जाओ, दूसरी तरफ जाओ, कुर्सी नहीं, पूरा ये पूरा लेके जाना, और फिर पीछे की तरफ देखना, रिलैक्स, वापस। ये काम कठिन है क्या? कर सकते हैं? ये आपकी कमर के दर्द से मुक्ति दिलाएगी, किसे? कमर दर्द से मुक्ति दिलाएगी। और आगे मैं बताता हूं गर्दन का दर्द, कौन सा दर्द? गर्दन का दर्द, बताओ। इसलिए एक्सरसाइज में
आप करेंगे साथ में? तो गर्दन के दर्द में आए उसके लिए और आ गया तो चला जाए उसके लिए क्या करना? देखिए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाओ और एक हाथ से ऐसे पकड़ो, जो हाथ पकड़ा उसे इसको खींचना, मैक्सिमम खींचना, करो सभी आगे से ऐसे खींचो, गर्दन में झुकाना, खुद में झुको, सीधे रहना है, सीधा करो, यही काम दूसरी तरफ, मैक्सिमम पूरा मैक्सिमम लेके जाओ, सीधा हाथ नीचे, अब शोल्डर को थोड़ा रोटेट करो, आप कंधे को ऐसे कुर्सी पर बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए कंधों को रोटेट करो, अब फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे की तरफ करो, ठीक है, और रिलैक्स, केवल पांच पांच बार, कितनी बार? पांच बार, और अंत में गर्दन के पीछे हाथ को लेके जाओ, कैसे देखो ऐसे ऐसे गर्दन पर लेके जाना, और थोड़ी को ऊंचा उठाते समय दोनों कोनियों को आपस में मिलाओ, बस ये आपकी गर्दन को ट्रैक्शन दे रहा है, ट्रैक्शन, ये दोनों कोनियां आपस में मिल गई, धीरे से छोड़ो, इसको फिर से करो, ये थोड़ी ऊपर आएगी, आया समझ में? नहीं, इसीलिए नहीं आ रही, क्योंकि आपने अपने हाथ यहां रखे हुए हैं, तो यहां रखोगे तो नहीं, गलत रख लो, यहां रखोगे तो ऐसे जाएगा, तो बिल्कुल पूरा गर्दन पर, ठीक है, बस रिलैक्स, और हल्की सी गर्दन की फिर मालिश, ठीक है, तो तब कुछ समझ आया? हाँ जी, हाँ जी, तो टीवी देखते हुए खाना खाना है ना? क्यों? हॉस्पिटल नहीं जाना? बच्चों को कार्टून दिखाते समय खाना खिलाना है? खड़े होकर पानी पीना है? खाना खाते समय पानी पीना है? अरे सारे नहीं बोल रहे हैं, कोई तो हाँ बोलो, और लेट नाइट खाना खाना है?